एक बार फिर से धमकी दी गई है सलमान खान को। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, एक बार फिर से सलमान खान को धमकी दी गई है, क्या सलमान खान सुरक्षित है या नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आना ही है? देखिए, कल जिस तरह से मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक मैसेज आया है, धमकी भरे मैसेज आया है, और साफ तो कहा गया है कि 2 करोड़ रुपया, दो नहीं तो जान से मारने की धमकी है। कहीं के इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सलमान खान की सुरक्षा की बात करें तो सलमान खान की सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई है, उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, क्योंकि लगातार जिस तरह धमकी आ रहे हैं, काफी दिनों से लगातार धमकी आ रहे हैं, उसके बाद कहीं गई सलमान खान अगर कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा पूरा देख रेख किया जाता है, घर के बाहर मुंबई पुलिस की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर निगरानी किया जा रहा था। कहीं कहीं जिस तरह से मुंबई पुलिस को लगातार धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं सलमान खान को लेकर, उसको लेकर मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। घर पे सुरक्षा, अगर बाहर निकलते तब सुरक्षा, हर जगह मुंबई पुलिस देख रही है। लेकिन दूसरी बात यह कि जिस तरह से धमकी भरे मैसेज लगातार आ रहे हैं उसकी भी लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जो आरोपी उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जो मैसेज कल आया था ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को, उसके बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो आरोपी है अज्ञात खिलाफ मामला दर्ज किया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दिया है। जी ठीक है सत्य प्रकाश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो सलमान खान को 2 दिनों में लगातार धमकियां दी गई हैं, और पिछले 2 दिनों की बात नहीं है बल्कि इसके पहले भी सलमान खान को लेकर मुंबई पुलिस को धमकियां दी जाती रही हैं, और ये या तो फिरौती की मांग की गई है या फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात, यानी कि 500 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार दीपोत्सव हो रहा है। दीपोत्सव का कार्यक्रम इस बार बहुत खास होने वाला है, और रिपब्लिक भारत की एक तस्वीर आप तक सुबह से लगातार पहुंचा भी रहा है कि कैसे खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इस बार की दिवाली बेहद खास है, दिव्य नव्य भव्य दिवाली, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। तो 28 लाख दीपक आज जलाए जाएंगे, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद निर्देश दिए थे कि जितने भी लोग आएंगे इंतजाम अच्छे होने चाहिए, और खास तैयारियां इस बार की गई है। देखिए कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, भव्य दिव्य नव्य अयोध्या की अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झांकी आपको नजर आने वाली। दीपोत्सव बाकी है, जब जगमगाएंगे लाखों दिए, और एक बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। सरयू के घाट की बात करें तो 25 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर बनने वाला है, और आपको कुछ तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। और ऋतु का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं ऋतु। दिवाली तो हर साल हम मनाते हैं, अयोध्यावासी मनाते हैं, लेकिन अयोध्या के लिए इस बार की दिवाली खास है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहली दिवाली है। राम यात्रा की तैयारी होगी इस वक्त, क्या तस्वीर देख पा रही है? ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है, ये तमाम जो महिलाएं हैं अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रही है, अलग अलग संस्कृति की यहाँ पर पेश की जा रही है, जो प्रस्तुतियां हैं, जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी जा रही है, ये राम राज्य का प्रतीक दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये तमाम झांकियां भी आपको दिखाएंगे, झांकियां देखिए किस तरीके से निकाली जा रही है, ये झांकियां दर्शा रही है अलग अलग जो अध्याय है रामायण के, वो ये झांकियां दिखा रही है। आपको ले चलेंगे यहाँ पर, जो कलाकार है उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरीके से यहाँ पर, किस तरीके से गुरु यहाँ पर हो रहा है ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए कितना विहंगम है, और ये प्रस्तुतियां अलग अलग संस्कृति की यहाँ पर पेश करती हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जोश देखिए किस तरीके से आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और दीपोत्सव को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ। क्या प्रेजेंटेशन है ना? प्रेजेंटेशन किस चीज की? राम भगवान का यहाँ जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, बहुत ही हम लोग को खुशी हो रहा है। तो आप छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं, राम मंदिर बनने के बाद ये पहला दीपोत्सव है? हाँ, यहाँ फर्स्ट दीपावली है, मतलब जब मंदिर बनने के पश्चात फर्स्ट दीपावली है, तो छत्तीसगढ़ से हम लोग इसी का बुलाया है कि यहाँ मतलब गुरु भाद्र बाबा का मानो मानो एक समान, वही उद्देश्य हम लोग सभी जगह मना रहे हैं। और देखिए और भी लोग हैं, कैसा जोश है?
बहुत जुनून और बहुत ही मजा आ रहा है इस पावन पर्व पर मनाते। दीपोत्सव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये पुस्तकों को कहना जो हमारे भारत वर्ष की बहुत खुशी की बात है कि आज हम सभी कंट्री एक साथ मिलकर के इस पावन पर्व को मना रहे हैं। तो देखिए पावन पर्व को मनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और लगातार देखिए ये तस्वीर, ये देखिए यहाँ पर ये जो झांकी है यहाँ पर राम और लक्ष्मण को पेश किया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये दृश्य जो है राम पथ की, ये तस्वीर है राम पथ पर इन प्रस्तुतियों को पेश किया जा रहा है। अलग अलग दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, महज उत्तर प्रदेश ही नहीं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ बयां कर रही है सिक्योरिटी के लिए लिहाज से भी अगर कहे तो। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोगों की मौजूदगी है, पुलिस बल की मौजूदगी है, ये लगातार मेरे वीजे दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर झांकियों को पेश किया जा रहा है। ये जो झांकियां है ये दर्शाई जा रही है, आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पेश करने वाली जो तस्वीरें है ये देखिए यहाँ पर अलग अलग जो कलाकार है वो आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको जो तस्वीर है नगाड़े की थाप पर यहाँ पर ये नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसा जोश है। तो देख रहे हैं आप तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर पूरा जो नजारा है जो वातावरण है राम राज्य का नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग नजर आ रहे हैं और ये जो राम राज्य का जिक्र है, जो राम राज्य की परिकल्पना का जो जिक्र होता है वो यहाँ पर पेश करने की कोशिश है। ये देखिए अलग ये अध्याय है रामायण का वो भी दर्शाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तस्वीर है ये बेहद अकल्पनीय है, दिव्य है, भव्य है। राम मंदिर बनने के बाद ये पहला दीपोत्सव है और अयोध्या का जो ये नजारा है ये दीपोत्सव का बेहद खास है, बेहद अद्भुत है, अलौकिक है। और ये जो तस्वीर है ये लगातार दिखा रहे हैं हम किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीर है, ये जो लगातार यहाँ पर जो पहुंचे हुए कलाकार किस तरीके से यहाँ पर ये नृत्य भी की जा रही है, अलग अलग प्रस्तुति पेश की जा रही है और अलग अलग ये जो अलग अलग इलाकों से अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए ये कलाकार है, देश ही नहीं विदेशों से भी पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए ये झांकी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से झांकी यहाँ पर नजर आ रही होगी, आपको ये झांकी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये पेश की जा रही है झांकी, कोशिश देखिए यहाँ पर किस तरीके से झांकी पेश की जा रही है। और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, अयोध्या सजी पटी पड़ी है दुल्हन की तरह और ये राम पथ की तस्वीर है, राम पथ में ये अद्भुत नजारा नजर आ रहा है। ये देखिए ये अलग अलग दृश्य जो है हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये नृत्य की तस्वीर है। बिल्कुल रितु, आप ये जो तस्वीरें हैं वो अयोध्या से दिखा रही है, राममयी है अयोध्या और पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज करके तैयार है दीपोत्सव के लिए, इस बार की खास दिवाली के लिए। आपके पास लौटेंगे लेकिन इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजूदास के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। सनातन संस्कृति के लिए आज का दिन बड़े पर्व का दिन है, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर भी है और दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। बात करने के लिए हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे संग मौजूद है। राजूदास जी बड़ा टप हुआ, बड़े लोगों ने प्राण त्यागे उसके बाद आज का ये दिन है, ऐतिहासिक दिन है, कैसे देखते हैं? 500 वर्ष के बाद आंखें भराई, इसलिए आंखें भराई, मामूली बात नहीं है राम मंदिर का निर्माण। अगर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं था, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते तो अयोध्या की चौमुखी विकास और राम मंदिर और डेवलपमेंट संभव नहीं था। क्योंकि मैंने देखा है अयोध्या में हम लोग बजट के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को कहा करते थे कि ये बन जाए, लेकिन लोग बजट तो दूर की बात है आने से कतराते थे। फैजाबाद शहर के उस कोने से ही वापस हो जाते थे और आज 38,000 करोड़ के बजट देकर अयोध्या की चौमुखी विकास, क्या विश्व को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट, देश को जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क, के लिए भव्य रेलवे स्टेशन, भव्य बस अड्डा, इसके अलावा शहादतगंज से लेकर नयाघाट चाक चौबंद व्यवस्था, चौरीकरण, सौंदर्यीकरण, रंग रोगन, अगल बगल फूल की क्यारियां जो सुंदर लगे, इसके अलावा भव्य राम मंदिर का निर्माण,
जहां 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, बलिदान किया, तब जाकर राम मंदिर भव्य निर्माण। उसके बावजूद भी जब हम लोगों ने देखा कोर्ट के आदेश के आने के बावजूद भी अगर राजनीतिक दल के लोगों ने काले तिरपाल पहनकर राष्ट्रपति महोदय के पास जाते हैं, बोलते हैं राम मंदिर का निर्माण अभी ना हो, राष्ट्रपति महोदय ने कहा क्यों, उन्होंने कहा बीजेपी को फायदा मिलेगा। कितनी दुख की बात है, पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम की व्यापकता, कण कण में आस्था और विश्वास की विशाल समुद्र, और उस समुद्र को रोकने का प्रयास विपक्षियों ने किया। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं देश के सच्चे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने जरा से चिंता नहीं किया, उत्तर प्रदेश में सच्चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने हनुमान की भूमिका निभाई, जिन्होंने राम जी की भूमिका मोदी जी ने निभाया और हनुमान की भूमिका योगी जी ने निभाया, जिसका प्रणाम स्वरूप के भव्य मंदिर और आ